हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी का हंडवा। देखेंगे किस तरह बनेगा। हंडवे के लिए हमको पहले है ना सूजी को गलाना पड़ेगा दही और शक्कर और नमक में। इसका घोल हम तैयार करके आधा पौन घंटे के लिए रख देंगे। इसको देखें, एक बाउल लिया हमने सूजी का और दो तीन बड़े चम्मच दही डालेंगे। एक चम्मच के आसपास शक्कर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। उसका घोल तैयार कर लेंगे। इस घोल को इस तरह से घोल के और आधा घंटे के लिए हम इसको रख देंगे ढक के। देखिए हंडवे की सामग्री देखेंगे हम। ये हमने सूजी जो आधा घंटा पौन घंटा पहले गला रखी थी वो इस तरह से खुल जाएगी। इसके लिए हमें ये सूजी लेना होगी बारीक वाली। मोटी, एक मोटी भी आती है वो ना लें, ये बारीक वाली सूजी लें। इसमें अब हमने ये गाजर ले रखी है थोड़ी, और थोड़ी प्याज ले रखी है बारीक कटी हुई, और ये मीठी नीम के पत्ते हैं, कड़ी पत्ते, इनको मीठी नीम भी बोलते हैं। और नमक लिया है, और नमक का हमें ध्यान रखना है कि हमने थोड़ा नमक डाल रखा है उसमें। और लाल मिर्ची पाउडर है, राई है, और मिर्ची कटी हुई है दो बारीक, और मटर है और हरा धनिया है। अब हम इसमें डालेंगे, इस तरह से पेस्ट रखें, क्योंकि हम इनो भी है, इनो डालेंगे तो ये थोड़ा सा पेस्ट ढीला होता है इनो डालने से, तो हम ये ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा कट्ठा ही रखेंगे। और इसमें सब सामग्री मिला देंगे थोड़ी थोड़ी। गाजर लेंगे, हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा डालें, हरी मिर्ची भी यूज कर रहे हैं हम। थोड़ा नमक डालेंगे हल्का सा, क्योंकि हमने सब्जी डाली है अभी। इसको इस तरह से मिला लें अच्छी तरह। इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और इनो डालेंगे। इनो लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा डालेंगे ताकि अच्छे से फूले। ये इतना लगभग, और इसको जल्दी से फेंट लेंगे और कढ़ाई गर्म करने रख देंगे। इसको फेंट लें, ये देखिए बेटर इस तरह से हो जाएगा, इसको पकने में आसानी रहेगी। ज्यादा ढीला होगा तो फिर बिखरेगा और सही से नहीं बन पाएगा। डालेंगे ज्यादा नहीं, और गैस को सिम कर देंगे। इसमें थोड़ी राई बिखरा दें और ये कड़ी पत्ता डाल के और हमारे बेटर को डाल देंगे।
और हम इसमें थोड़ी राई भी खाएंगे, थोड़ी कड़ी के पत्ते, इसको मीठी नीम भी बोलते हैं कई जगह, और तेल आसपास डाल के और बीच में एक चम्मच तेल डाल देंगे और इसको हम ढक देंगे, ढक के धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे इसको। देखिए इस तरह से ये पकने लग जाएगा, तो हम इसको निकाल के देखेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा तेल और डालेंगे ऊपर भी ताकि हम और इसको अच्छे से जल्दी से पलटेंगे। इसके आसपास भी आधा चम्मच तेल डालेंगे, इसको भी धीमी धीमी आंच पे ही बनाएंगे और ढक के रख देंगे। तो देखें नीचे हल्का सा सिक गया है, अब हम इसको ऊपर से कट दे देंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए। इसको हम इस तरह से कट दे देंगे, ताकि ये कच्चा ना रहे। अब फिर वापस इसको ढक के पका लेंगे। तो देखें ये कुरकुरा हो गया आगे से भी और पीछे से। हम इसको 30 सेकंड के लिए उल्टा भी करके और कर लेंगे, बाकी हमारा ये तैयार है। इसको हम पलटने से पहले जब कट देते हैं तो एक डेढ़ से दो मिनट के बाद हम कट देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। नीचे बेस तैयार हो जाता है तो कट लगाना आसान रहता है। देखें अब चाकू डाल के देख लें कच्चापन तो नहीं है, अगर कच्चा होगा तो ये चिपकेगा, बाकी ये ऐसे रोल बन जाएगा इसका, बेटर का इस तरह से। हाथ में नहीं चिपके तो समझे हो गए। अब इसको निकाल लेंगे, देखिए हमारा हंडवा तैयार है, उसको पैनकेक भी बोलते हैं। आप इसको नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। इसको काट लेंगे, हल्के हाथ से काटें, देखें हंडवा तैयार है। देखिए किस तरह से ये आगे पीछे अच्छा कुरकुरा सिका है। अब इसकी प्लेटिंग कर देंगे। ये लीजिए हंडवे का नाश्ता तैयार है, खाएं खिलाएं और मौज मनाएं। और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और ट्राई करें।